नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल पुनित में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और मैं अपने कार्ड का बिल भी पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स का बिल भरने से पहले मैं आपको अपना फ्लिपकार्ट के ऐप पर लेके चलूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ्लिपकार्ट के अकाउंट के अंदर जो भी मेरे पास सुपर कॉइन से वो कितने हैं, 501 सुपर कॉइन मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। और ये जो सुपर कॉइन है टाइम टू टाइम एक्सपायर भी होते रहते हैं, तो इन सुपर कॉइन का इस्तेमाल करके हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिल पेमेंट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है मोबीक्विक। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन में मोबीक्विक ऐप पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके पास मोबीक्विक ऐप नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसमें अकाउंट बना लेना। तो इस ऐप का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी कार्ड यहाँ पे ऐड हैं वो सारे कार्ड यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आपको किसी और कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो आप ऐड कार्ड पर क्लिक करके अपने कार्ड का बिल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को जिस कार्ड का बिल पेमेंट करना है मैं उस कार्ड को सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे को यहाँ पे अपने एक्सिस बैंक कार्ड का बिल भरना है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कार्ड की जो ड्यू डेट है वो 5 अक्टूबर 2023 है। अब यहाँ पे मैं एंटर अमाउंट कर देता हूँ, तो आपको जितना भी बिल भरना है आप यहाँ पर उस अमाउंट को एंटर कर दीजिएगा। तो मेरे को 1000 का बिल भरना है तो मैंने यहाँ पर 1000 का अमाउंट एंटर कर दिया है। अब इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई कूपन का, तो अप्लाई कूपन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन जो है यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो सुपर कॉइन बैलेंस है वो कितना है, यहाँ पर 501। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो मेरा जो सुपर कॉइन है वो 501 है, और यहाँ पर एक 4 कॉइन की कीमत जो है 1 रुपये के बराबर है। तो सिंपली यहाँ पे जो मेरा जो डिस्काउंट हो जाएगा इंस्टेंट डिस्काउंट वो कितना हो रहा है, 112 रुपये का यहाँ पे मेरे को इंस्टेंट डिस्काउंट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जो बिल अमाउंट कर रहा था वो कितना का था, 1000 का मेरा अमाउंट था, लेकिन यहाँ पर सुपर कॉइन का मेरा माइनस कितना हो गया, 112 रुपये मेरे यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब जो मेरे को टोटल अमाउंट पे करना है वो 887 रुपये 50 पैसे ही पे करने हैं, क्योंकि बाकी जो पैसा था वो मेरा सुपर कॉइन पूरा का पूरा यूज़ हो गया है। उसके बाद नीचे आपको सिंपली पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे जो मोबीक्विक ऐप है यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड लगा हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी UPI मेथड है जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करिए, जैसे भी आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं UPI पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पर मेरा बैंक सिलेक्टेड है, उसके नीचे आपको Pay 887 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो UPI पिन है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना UPI पिन एंटर कर देता हूँ। UPI पिन एंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे टिक पर क्लिक कर देना है, और टिक पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ऊपर से एक मैसेज भी आ गया है मोबीक्विक के अंदर से कि आपका जो है बिल जो पेमेंट हो गया है, और बिल का अमाउंट यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल आप करोगे तो यहाँ पे मेरा पूरा जो ट्रांजेक्शन आईडी है, रेफरेंस आईडी है, वो सब कुछ यहाँ पे इसने शो कर दिया। उसके बाद ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा मोबीक्विक में जो 112 रुपये वो यहाँ पे कट गया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है, वो इसने शो कर दिया, और यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया मोबीक्विक का कि आपका बिल पेमेंट कर दिया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब कुछ इसने यहाँ पे शो कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों एक SMS भी आया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव रिडीम 450 सुपर कॉइन एट मोबीक्विक रिचार्ज ऑन इस डेट को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा अपना यूज़ कर लिया है, तो वो आप यहाँ पे मैंने पूरा इसको आपको डिटेल में दिखा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जाइए और जाकर के अपने कार्ड का बिल पेमेंट कीजिए। और वीडियो में अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपका बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।